नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमरो हेडलाइंस ओडिशा को पांच राज्य फेरुथिबा लोकंक पई लागू हला कटकणा महाराष्ट्र केरल पंजाब मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ फेरिले सात दिन होम आइसोलेशन बाध्यतामूलक पूर्व बार राज्य फेरतांक कटकणा मेंडरासपुर बस ट्राजेडी घटना शारदा पाइले नुआ जीवन एक लक्ष षाठी हजार टंकारे लागिला कृत्रिम गोड़ शारदा दुख खबर को नहीं अर्गस से होता खबर प्रसारण पर तत्परता देखा जिला प्रशासन जोरापुल मृतदेह उद्धार घटना को पूरला मसे एवं घटना उछनी परदा गिरफ हो पुरुष बंधु राकेश हेले सहयोगी शेखर मिलूनी पता तेबे ओडिशा पुलिस तदंत प्रश्न उठाइले परिवार आज विशेष जरिया भारतीय खेलना मेलार उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री शिशुर मनर विकास सहायक होता है खेलना फेब्रुआरी 27 रु मार्च 2 पर्यंत चलो मेला गुजरात गोधरा ट्रेन पोड़ी घटना को पूरला 19 वर्ष घटन 69 जन श्रद्धालु जाता जीवन साबरमती एक्सप्रेस चेन टाणी एक बगी में लगे एवं आज पवित्र माघ पूर्णिमा श्रीमंदिर गज उदाहरण बेस में सुसज्जित होते श्रीजीव रत्न सिंहासन गरुड़ उपर बसी देवे दर्शन सांगे रे माल संक्रमण प्रबण राज्य फेरता सामान्य बदलला नियम एणिकी पांचट राज्य फेरुवा लोकों पर नजर महाराष्ट्र केरल पंजाब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ फेरता नजर रखा कह पूर्व बारट राज्य फेरता नजर रखा कैश में कोरोना बढ़ुता बेले सतर्कमूलक पदक्षेप निमानंदर और रेल स्टेसन में जांच व्यवस्था को कड़ाकड़ी समस्त जात्री थर्मा स्क्रिंग जदि कौन जात्री लक्षण रही है तेज सांगे सांगे रैपिड आंटीजेन टेस्ट हो सेबरी 72 घंटा भितर आरटीपीसीआर परीक्षा कराइले सातदिनिया संगरोधे रे जात्री एथसह कोविड टीका नहीं प्रमाणपत्र संगरोधे रहा अनावश्यक या बाद अन्य यात्री माने सातदिनिया होम आइसोलेशन रहिथवा बेले जदि लक्षण देखा दिए तेबे आरटीपीसीआर टेस्ट पई सेमानकर नमूना पठा जिवो एथिरे पॉजिटिव चिन्हट हेले कोरोना प्रोटोकॉल अनुसार चिकित्सा करा जिवो ए सब राज्यरु फेरिथवा व्यक्ति बाहरे बुली पारिबे नाही सातदिन घरोई संगरोधे रहबाकु बाध्य तेज संक्रमण प्रबण राज्य फेरता सामान्य बदली नियम एणिकी पांचट राज्य फेरुवा लोकों पर नजर रगुड़ी है महाराष्ट्र केरल पंजाब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जो मैंने कि सेठ फेरुँचान नजर रखा कह तेज पूर्व बारट राज्य फेरता नजर रखा कहला देश में कोरोना बढ़ुता बेले एपरी सतर्कतामूलक पदक्षेप नि तेणु विमानबंदर और रेल स्टेसन में जांच व्यवस्था को कड़ाकड़ी समस्त जात्री थर्मल स्क्रिंग जदि कौन जात्री लक्षण रही है तेज सांगे सांगे से रैपिड आंटीजेन टेस्ट होपर 72 घंटा भितर आरटीपीसीआर परीक्षा कराइले सात दिन संगरोधे रे जात्री रहिबे नाही तबे एथसह कोविड टीका नहीं प्रमाणपत्र संगरोधे रहा अनावश्यक माने जो माने संगरोधे रही थे कौन से आवश्यकता रही बाद अन्य यात्री माने सातदिनिया होम आइसोलेशन रही बेले जदि लक्षण देखा दिए तेरे आरटीपीसीआर टेस्ट से नमूना पठा जाए अर्थात जो मैंने सातदिनिया होम आइसोलेशन रही थे जदि लक्षण देखा दिए तेरे आरटीपीसीआर टेस्ट से नमूना पठा जाए आज भी आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं कंपी पारे विधानसभा गृह महंगा डबल मर्डर घटन राज्य सरकार को घेरी पारती विरोधी मंत्री प्रताप जेना इस्तफा दाबी करेंगे विरोधी मंत्री इस्तफा दाबी करी विरोधी गृह को अचल करनिदिन पूर्व मुलतवी प्रस्ताव आगत करा बीजेपी महंगा डबल मर्डर घटना को नहीं राज्यव्यापी उद्वेग प्रकाश पाई कोरापुट नारायणपाटारु विपुल परिमाण विस्फोरक जबत पिंटापदर जंगल जबत है विपुल विस्फोरक कमिंग ऑपरेशन बेले जबत कले बीएसएफ जवान तेज बड़धरण अघटन बर्ती गले
बीएसएफ जवान 60 जिलेटिन 50 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जबत करा दै छी। तबे 30 आयरन पेलेट विद्युत तार 2.5 केजी गन पाउडर मध्य जबत होई छी। आसिबा परवर्ती खबर को चाकरी कराइ देबा को कहि ठके करितबा 3 जन को गिरफ्त करै छी अनुगुल पुलिस। सेमाने हेले राजकिशोर पड़ार रंजन त्रिपाठी, मिताली त्रिपाठी और रेंगाली थाना बज्रकोट अंचलर रंजन साहु। एमाने खबर कागजे जाल नियुक्ति विज्ञापन दे लोकंकु ठकुथिबा अभियोग होइछे। सेमाने पाळखेमुंडी अंचलर पी धर्मराव नामक जने लोकंकु पाखरु 52,000 टंका ठकि नेथवा ने अनुकूल थानारे अभियोग होइतला। परे पुलिस एक मामला रुजु करि घटनार तदंत करूथिला। ए मामलारे पुलिस 3 अभियुक्तंकु गिरफ करि आजि कोर्ट चालान करिछे। रमादेवी छात्री झराफुल मृतदेह उद्धार घटना को पुरिला मासे हेले आज भी जनापड़नी झराफुल मृत्यु रहस्य। राकेश धरा पड़ी मृतदेह बोबारे उद्धार होता स्कूटी उद्धार कर पुलिस। तथापि एजाए धरा पड़नी मृतदेह बोबारे राकेश को सहयोग कर साथी शेखर। पुलिस पाखे सब प्रमाण थी पुलिस हाथ खाली। तबे झराफुल मृत्यु होना हत्या घटी तापुर उठनी पर्दा। यार मध्य राकेश को जेरा हो झराफुलों विसरा टेस्ट करा जाए। राकेश को नहीं रिक्रिएशन करा जाए। तथापि घटनार क्षीय पाइनी पुलिस जहाँ पुलिस कार्यकारिता उपरे प्रश्न उठी। अनेपटे ओडिशा पुलिस तदंत उपरे भरोसा नथिबारु सीबीआई तदंत दाबी करिसंती परिवार लोके। तेबे जहाँ कार्यक्रम रही आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम अर्थात बीसी जरिया भारतीय खेलना नहीं जो मेलार उद्घाटन करार मुख्यमंत्री कार्यक्रम रही सीधा सड़क से नहीं चलु जहाँ सूचना रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ आज कार्यक्रम उद्घाटन करार शिशु मन विकास सहायता जहाँ कही कार्यक्रम अब आपको बिजनेस में और क्या अंतर आया है? जनधन योजना तो सभी को मालूम है और अकाउंट के लिए हमारे को बहुत इजी है। डायरेक्ट पार्टी हमारे को अकाउंट में पैसा मिल जाता है उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं अकाउंट से। क्या आपने कभी अपने इस चन्नापटना में बनने वाले ये जो अपने खिलौने हैं उसको ई मार्केट से देश में और दुनिया में उसको बेचने की कोई कोशिश की है और उसमें कोई सफलता मिलती है? हम तो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ऑफिसर लोग भी हमारे को बढ़ावा दिए तो हम कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, सरकार तो करेगी और करना भी चाहिए और ये इसी का एक भाग है कि मैं पिछले कई दिनों से खिलौनों के लिए बोलता रहता हूँ और आज एक बड़ा कार्यक्रम भी कोशिश किया है। इसके पहले जैसे अभी स्मृति जी ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने भी बहुत बड़ा काम किया है, तो ये तो है, लेकिन जब तक आप लोग भी नया और नए तरीके उसको नहीं करेंगे, हर बार यही कहते रहेंगे भाई सरकार करेगी तो हो जाएगा, सरकार करेगी तो हो जाएगा। सरकार जितना कम करे उतना ही अच्छा है। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। अब चन्नापटना के उत्पादों को सिर्फ एक क्षेत्र, राज्य या देश में ही नहीं दुनिया के स्तर पर हमें प्रसिद्ध करना है। चन्नापटना के खिलौनों से पूरी दुनिया के बच्चों के चेहरे खिल उठे, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है और जैसे आपकी अपेक्षा है सरकार को आप सुझाव देंगे तो हम जरूर उसमें सक्रियता पूर्वक आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि कर्नाटक गवर्नमेंट भी जो बेंगलुरु के स्टार्टअप्स हैं, बेंगलुरु के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ आपका एक अच्छा वर्कशॉप करें ताकि हो सकता है दोनों तरफ से बातें सुनकर के एक नई योजना की दिशा में हम जा सकते हैं। आप कभी बच्चों को कौन से खिलौने पसंद आते हैं
उसका कभी बच्चों से या बच्चों के माँ बाप से कभी चर्चा करते हैं जो पहले से बना रहे बस बिक गया तो बिक गया ऐसा करते हैं? ये बच्चों को टॉयस बहुत पसंद है, इसमें वेजिटेबल डाइस यूज किया जाता है, इसमें कुछ केमिकल्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने कभी अपने क्लस्टर में, आपके यहाँ जो 2000 लोग काम करते हैं, उन्हें बीच में स्पर्धा की कि भाई इस वर्ष सबसे नया और उत्तम खिलौना हमारे 2000 लोगों में से किसने बनाया, उसको हमें क्या अवार्ड देंगे, ऐसा कभी सोचा क्या? हाँ सोचा है सर। अच्छा, कुछ ना कुछ बनाने के लिए सोचा है सर। करते हैं ऐसा? करते हैं सर, कोशिश करते हैं। कितने समय से करते हैं? हम 32 ईयर से काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये कंपटीशन आपके यहाँ जो क्लस्टर में 2000 लोग काम करते हैं उनको स्पर्धा, भाई जो नया खिलौना, अच्छा खिलौना, नए तरीके का खिलौना बनाएगा हमारे में से, उसको इस बार ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ऐसा कोई व्यवस्था आपके भीतर आपने बनाई है क्या? हाँ सर बनाया है। पिछली बार किसको अवार्ड मिला था? पिछली बार हमारे केंचा साहब को मिला है सर। क्या बनाया था उन्होंने? वो हनुमान बनाया था सर। नहीं, हनुमान तो पहले भी बनते होंगे भाई। देखिए, जब तक आप नया नहीं सोचेंगे, नए तरीके से नहीं सोचेंगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि जो दुनिया में हमें पहुंचाना है उसमें पहुंचाने में मदद मिलेगी। खैर, आप लोग सोचिए, मैं डिपार्टमेंट को कहता हूं बहुत बारीकी से आपसे बातें करते रहें, हम आगे सोचेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के खिलौना बनाने वाले कारीगरों के पास। यहाँ के लकड़ी से बने खिलौने बहुत मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश का वाराणसी टॉय क्लस्टर। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, सभी बनारसवासियों के तरफ से, आप बैठिए, आप बैठिए। और वाराणसी में आया हूँ और आप हर हर महादेव न बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? हर हर महादेव। मैं रामेश्वर सिंह, वांसी लकड़ी खिलौना बनाने का शिल्पी हूँ। भारत सरकार ने हमको 2015 में नेशनल मेरिट अवार्ड से पुरस्कृत किया हुआ है, और वाराणसी में जो लकड़ी खिलौना बनाने वाले लोग हैं करीब 1200 हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें से 1000 पुरुष हैं, 200 महिलाएं हैं। ये खुजवा, कश्मीरी गंज और आसपास के इलाकों में विस्तृत है। जो इसमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 राज्य पुरस्कार हस्तशिल्पी हैं। हम लोग जो लकड़ी खिलौना पहले कुरैक लकड़ियाँ बनाते थे, लेकिन विगत वर्षों से हम लोग यूकेलिप्टस की लकड़ी से इसका प्रोसेसिंग, ये ऐसा है कि हम लोग अपने मन चाह हिसाब से लकड़ी को काट लेते हैं। काटने के बाद में पारंपरिक टूल द्वारा कुंद मशीन पे इसको चढ़ा करके उसको मन चाह शेप देने के बाद में लाख जो होता है कलरफुल लाख से द्वारा इसको अंतिम रूप देते हैं। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस लकड़ी खिलौनों को बौद्धिक संपदा अधिकार में रजिस्टर्ड किया गया, और हमारी ये जो कला है वर्षों पुरानी है, हमारे पूर्वज जो है इसको इसी पारंपरिक कला से इसको बनाते चले आ रहे हैं। हम लोग सभी आर्टिजन भाई मिल करके इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लकड़ी खिलौने बनाए जाते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए चुसनी, जो कि जब दांत निकलता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों के लिए चुसनी बनाया जाता है, और घुंघना बनाया जाता है, और हम जो खेलते थे लट्टू जो रस्सी वाला है वो बनाते हैं। हमारा और भी उत्पाद है जो कि घरेलू उत्पाद भी है। अच्छा, ये मुझे बताइए, देखिए मैं तो आता रहता हूँ, तो जब भी आता हूँ तो कभी न कभी तो आप लोगों के बीच आने का मुझे मौका भी मिलता है, आपके खिलौने भी मैंने जब मुझे देखने का अवसर मिला है, और जैसा आपने बताया कि आजकल नए नए खिलौने चलते हैं। देखिए, बच्चों की बड़ी विशेषता होती है,
जो अगल बगल में देखते हैं ना, उसको वो जीना चाहते हैं। मैं पक्का मानता हूँ कि आज कई घरों में बच्चे जब खिलौने लेकर के खेलते होंगे तो माँ बाप से झगड़ा करते होंगे कि मेरे खिलौने के मास्क लगाओ, वो आग्रह करते होंगे कि मेरा खिलौने को मास्क क्यों नहीं है। क्या कभी आप ये सोचते हैं कि भाई अभी कोरोना है तो बच्चों को भी खिलौना वो चाहिए जिसको मास्क चाहिए, अलग से एक मास्क देना चाहिए, बच्चा मास्क खिलौने के पहना है और बच्चा करता ही है। आपने देखा होगा दिल्ली में एक बड़ी इंस्पायरिंग घटना है खिलौने वालों के लिए। एक बच्ची को पग में फ्रैक्चर हो गया, अब उसको अस्पताल में पैर ऊंचा करके के रखना पड़ता था, लेकिन वो रोती थी, मानती नहीं थी। फिर उस डॉक्टर ने उस मनोवैज्ञानिक तरीके से एक खिलौना जो उसको पसंद था उसको उसके साथ सुलाया, और खिलौने को भी वैसे ही पैर में फ्रैक्चर है ऐसा करके पट्टी बांधी और उस पैर को लटकाया। उस बच्ची को इतना अच्छा लगा कि वो डॉक्टर को कोऑपरेट करने लगी। मतलब खिलौना बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्या कभी आप मेरे काशी के लोग खिलौनों के संबंध में बच्चा क्या सोचता है, कैसे करता है, क्या कभी उसके लिए कुछ करते हैं, क्या कभी चर्चा करते हैं, क्या क्या काशी विश्वविद्यालय के ऐसे मनोवैज्ञानिक जो प्रोफेसर हैं उनको बुला करके कहते हो कि भाई जरा हमारे खिलौने वालों को बताओ बच्चों को लेके हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कभी चर्चा करते हैं क्या? जी गुरु जी, हम लोग नया जो डिजाइन बनाए हैं, पहले हम लोग का स्टैंडिंग खिलौना होता था, अभी हम लोगों ने ये जो अभी जो बच्चे अपने हाथ द्वारा ये जो चलाते हैं गाड़ियां, इसको हमने एक नया एवेंचर दिया है। क्योंकि अभी हम लोग ने ये जो ऑटो ट्रक में इसको अपने बैटरी द्वारा मोटर फिट करके बनाया है, ये नया एनिमेशन है, और हम इसको सेंसर द्वारा इसको रोक नहीं पा रहे हैं, बैक नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको अटैच किया जाए, जिससे कि हमारा लकड़ी का खिलौना जो है और आगे बढ़े। ये जो वर्कशॉप है वो ये जो आप कह रहे हैं ना, इस काम के लिए ही है। ये टॉय फेयर लगाया है वो इसी काम के लिए लगाया है। अब आप इसका फायदा उठाइए और प्रधानमंत्री का इंतजार मत कीजिए। ये प्रधानमंत्री ने इसीलिए आपके घर में ये चीज लेके आया है। देखिए, अब तो वाराणसी में एक बेहतरीन हस्तकला संकुल भी सेवा दे रहा है और आप में से ज्यादातर लोगों का मुझे वहीं पर मिलना हुआ है। आप लोगों को इस हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार से जो मदद चाहिए वो मिलेगी, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग नया करेंगे। अब तो मैं देख रहा हूँ आपके साथ नौजवान पीढ़ी भी बैठी हुई है, तो नौजवान तो जरूर कुछ न कुछ सोचती होगी। देखिए, हर पीढ़ी के साथ पसंद नापसंद बदलती रहती है। जो हमारे पूर्वज जिन खिलौने से खेलते होंगे वो हमारे बाद की जो पीढ़ी होगी वो अलग खिलौने से खेलते होंगे, लेकिन हमें भी तो लगातार इसमें परिवर्तन लाते रहना चाहिए, और सरकार इस दिशा में जरूर प्रयास करेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा काशीवासियों से मिलने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी, अब रुख करते हैं राजस्थान का। जयपुर शहर के कठपुतली क्लस्टर से खिलौने बनाने वाले कारीगरों से बात करते हैं, जिनमें कठपुतली बनाने वाले हस्तशिल्पकार और कठपुतली कला से जुड़े कलाकार दोनों मौजूद हैं। जयपुर का कठपुतली टॉय क्लस्टर। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम जयपुर वासियों की तरफ से नमस्कार। मैं बिमला देवी भाट कठपुतली कॉलोनी जयपुर से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जयपुर में तीन कॉलोनी है, पहली कठपुतली नगर, दूसरी कलाकार कॉलोनी पानी पेच एवं जगतपुरा में, जिसमें हम करीब लगभग 1100 कारीगर काम करते हैं, जिसमें 650 पुरुष है और 450 महिलाएँ हैं। इसका कार्य को हम खानदानी काम है, ये हमारे पूर्वजों से हमें ये विरासत में ही प्राप्त हुआ। कठपुतली जो हम बनाते हैं वो आड़ू की लकड़ी से बनाते हैं। आड़ू की लकड़ी को छील के हम अलग अलग आकार देते हैं, फिर उसको विभिन्न तरह से पेंट करते हैं, फिर उनको पोशाकें बनाई जाती है, जिसमें लहरिया,
बंधेज और राजस्थानी चुनरी प्रमुख है, उसको बना के हम ऐसा सेब देते हैं, ये इस तरह से तैयार होती है। और 27 फरवरी 2021 को जो टॉय फेयर लगा है, इंडिया टॉय फेयर, उसमें हम 15 आर्टिस्टों को भाग लेने का अवसर मिला है और हम बहुत खुश है कि इसमें हमारी कला को आगे बढ़ाने का उत्साह मिल रहा है। उसके लिए इंडिया टॉय फेयर और प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा, शायद ही हमारे देश में कोई बालक ऐसा होगा कि जिसने कठपुतली का खेल न देखा हो और कठपुतली का खेल देखने के लिए उसका मन न कर गया हो। आप सोचिए, दुनिया इतनी बदल गई, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, बड़े बड़े अरबों खरबों रुपये के बड़े बड़े थिएटरों में और बड़ी बड़ी फिल्में आने लग गई, लेकिन आपके प्रति जो बालक मन का आग्रह रहता है, उसको देखने की क्यूरियोसिटी रहती है, वो जरा भी कम नहीं हुई है। ये एक तो सबसे पहले कठपुतली कला से जुड़े हुए आप सब बधाई पात्र हैं, आपके पूर्वज बधाई के पात्र हैं, और आपने इसमें गौरव रखा हुआ है। आप में मैंने देखा है कि बहुत ही बड़े पढ़े लिखे लोगों का ऑडियंस बैठा हो, बड़ी 5-स्टार होटल में किसी कोने में आप काम कर रहे हो, मैंने देखा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा गजब होता है। सामने बैठा वाला कितना बड़ा धनी है, कितना पढ़ा लिखा है, आपको कोई असर नहीं होता है, आप अपने कठपुतली के उन खिलौनों में बिल्कुल रम जाते हैं, ये मैंने देखा है, और ये ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या कभी आपको सोचा है कि आप लोग आज का जो एडवर्टाइजमेंट का युग है, उस एडवर्टाइजमेंट के युग में इस कठपुतली के खेल का बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग करते। जैसे मान लीजिए कोई आप चाहते हैं कि भाई बच्चों को हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, ये हम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन कोई साबुन कंपनी वाली कठपुतली वालों को कहे, देखिए हम आपको छोटे छोटे साबुन बना के देते हैं, आप कठपुतली से ही साबुन देना, साबुन से हाथ धोना बच्चों को सिखाने वाला कार्यक्रम कीजिए, उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी होगा और आपको ये एडवर्टाइजिंग का पैसा भी मिलेगा। क्या कभी ऐसा सोचा है आप लोगों ने? सर, हम कर सकते हैं अगर अवसर मिले तो। अच्छा, आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे टूथपेस्ट है, बच्चों को भाई ब्रश करना चाहिए, तो आप मास्क लगा के कठपुतली बनाई है सर हमने। क्या बनाया है? मास्क लगाना सिखाया है। अच्छा, मास्क वाली बनाई है। जी हाँ, देखिए ये है। देखिए, ये बदलते हुए समय के साथ कैसे बदलता है, और ये आप लोग अभी भी प्रभाव पैदा किए, उसका कारण यही है कि आपको विचार आया कि आपकी कठपुतली मास्क वाली होगी, मतलब कि आपने आधुनिकता के साथ जोड़ा, आपने मैसेजिंग भी किया। मुझे लगता है, मैं भी हमारे सरकार के लोगों को कहूंगा कि कठपुतली और परंपरागत उद्योग गृह अपने एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों को कैसे करें, आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। जब मैं गुजरात में